ट्रिपल तलाक का मुद्दा इन दिनों देश भर में गरमाया हुआ है और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हल निकालने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को महमूद मदनी की अध्यक्षता में 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिला और पीएम से मिलने के बाद तीन तलाक का हल निकालने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका हल जल्द से जल्द निकालने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से मुक्ति दिलाने की अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि ट्रिपल तलाक का हल उलमा खुद निकालें। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे महमूद मदनी ने भरोसा दिलाया कि इस दिशा में काम जरूर किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास नीति की सराहना की। जमात ने गो हत्या के नाम पर कुछ निजी संगठनों के अति सक्रियता का भी मामला उठाया और ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आतंकवाद व तीन तलाक के मुद्दे पर सहयोग मांगा। जमीयत ने समर्थन और सहयोग का वादा किया। बैठक में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। जो हर चीज का एक टाइम होता है, मुल्क के हालात जिस तरह के दहशत का माहौल बन रहा है, ऐसे में ज़रूरी हो गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करी जाए और ये मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में बहुत इत्मीनान के साथ हुई है और उन्होंने जितने इश्यूज उठाए गए उसके ऊपर बहुत दो टूक बहुत रीज़नेबल बहुत सेटिस्फैक्टरी एटीट्यूड था उनका। तो हम बहुत पुरुम्मीद हो करके इस मुलाकात से जा रहे हैं, खुदा करे कि ये ज़मीन पर भी नज़र आए। तो यही बस इतना। क्या चाहते हैं आप लोग प्रधानमंत्री से? आप लोगों ने दो टूक क्या खुलकर बात? एक ही बात है, हमने नहीं, उन्होंने बहुत दो टूक बात करी। एक ही बात है, जो बुनियादी बात है वो ये कि कानून इंसाफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ये हिंदुस्तान के उस दायरे में होना चाहिए जो दायरा है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए और आम लोगों को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुल्क से भय का वातावरण ख़त्म होना चाहिए। वो हम और वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं इस मामले पर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुल्क में मुसलमानों का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कहा हम अपना रोल प्ले करने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान बनाए जाने की मुखालिफत की और उस माहौल में इस मुल्क में रहने का फैसला किया। आज तो बहुत अच्छा माहौल है। तो यही और ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है, इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ट्रिपल तलाक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अलग अलग मंचों पर बोलते नजर आए हैं। आपको सुनाते हैं, 24 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री ने खुले मंच से ट्रिपल तलाक पर पहली बार क्या कहा था। अगर कोई हिंदू माँ के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी,
सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। अब देखना अहम होगा कि आखिर पीएम मोदी और जमीयत उलमाए हिंद की इस बैठक के बाद और जमात के द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए आश्वासन के बाद 3 तलाक के मामले पर आगे मुस्लिम महिलाओं को कितनी सहूलियत मिल पाती है और जमात 3 तलाक को खत्म करने के लिए आगे क्या पहल करता है।